बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जी लेके आए हैं आपके लिए चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तीन प्याज हमने बारीक काट कर लिए हैं, लहसुन का एक पूरा फूल हमने ले लिया था, ये कुछ अदरक के टुकड़े हैं और तीन से चार हरी मिर्चें, इनको हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। साथ ही एक कप पानी डालेंगे और इसको उस वक्त तक हमने कवर करके कुक करना है जब तक इसका पानी ड्राई होता। एक गिलास पानी डालने के बाद इसको हम कवर करेंगे और जब तक पानी खुश्क होता तब तक हम इसको पकाएंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह पक चुका है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। क्रीमी चिकन के लिए पहले हम इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पास है तीन शिमला मिर्च, जिनको हमने जूलियन कट में जिसको काट कर लिया है, दो टमाटर और एक प्याज है। इसको हम दो से तीन मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। दो से तीन मिनट इसको फ्राई करते हुए हो गए हैं सब्जियों को, अब हम इनको निकाल लेते हैं। लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था, लहसुन अदरक और प्याज का, इसको ऑयल में शामिल करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने सब्जियां फ्राई की हैं, इसी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। प्याज को दो से तीन मिनट कुक होते हुए हो गए, लेकिन हम इसको मज़ीद दो मिनट के लिए कुक करेंगे, फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे। प्याज इतनी देर कुक हो चुका है कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब ये दो किलो चिकन हमने लिया था बोनलेस, जो थाई और सीना मिक्स है, इसको हम शामिल करेंगे प्याज में। और इतनी देर हमने इसको कुक करना है कि चिकन का रंग चेंज हो जाए, यानी कि ये वाइट जब होने लगे फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। मसाले के साथ चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें एक कप दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह दही में चिकन को कुक करें, इसका पानी ड्राई होगा तो फिर हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले डालेंगे अब चिकन में। दो किलो चिकन में हम डाल लें 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर, क्योंकि ग्रीन मिर्चें भी हमने डाली थी तो आप इस हिसाब से डालें, हाफ टी स्पून वाइट मिर्च हम डाल दें इसमें। अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें 400 ml क्रीम शामिल कर रहे हैं। ये हमारा बोनलेस 2 किलो है, उसके मुताबिक ही हम क्रीम डाल रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करें आप। दो से तीन मिनट तक हमने चिकन को कुक कर लिया था क्रीम डालने के बाद, अभी हमने सब्ज़ी इसमें शामिल की है तो इसको भी हम 2 मिनट कुक करेंगे, फिर इसको डिश आउट कर देंगे। जलफ्रेज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लाजमी इस वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।